तो हेलो गाइस, तो क्या आप भी एक हैंडस्टैंड करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सीधा हो जाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो इस वीडियो में आपके साथ वो तीन तरीके शेयर करना चाहूँगा जिससे आप हैंडस्टैंड कर पाएंगे। एक्सरसाइज हो या चाहे एक्चुअल हैंडस्टैंड कर रहे हो, आपको खाली दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पे रहना चाहिए, सेंटर, आपके हाथ के सेंटर पे। मतलब इसको एज अ सपोर्ट बनाना है आपने, फिंगर्स पे वेट नहीं डालना है। फिंगर खाली तभी यूज़ करनी है जब आप आगे पीछे गिरोगे, वो अभी आपको ध्यान नहीं देना है। सीखने टाइम को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वेट आपका इसी हाथ पे रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका हेड है वो आपके दोनों शोल्डर के बीच में रहना चाहिए। तो पहले तरीके में कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वॉल चाहिए और उसमें आपको ऐसे स्टैंड करना है। हाथों को आपने बिल्कुल मूव नहीं करना, सिर्फ लेग्स को इधर उधर। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, इसको फ्री स्टैंडिंग में कैसे कन्वर्ट करें कि वॉल के पास तो आप सपोर्ट करने लग गए, लेकिन इसको फ्री स्टैंडिंग में कैसे कन्वर्ट करें? तो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे और अच्छा खासा आपका बैलेंस बन जाएगा तो आप फ्री स्टैंडिंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो उसके लिए कोई नई चीज़ आपको नहीं करनी है, बैलेंस आपका बन चुका है, लेकिन आपको खाली अपने किकअप पर ध्यान देना है कि जब आप किक करें तो किक कैसे करना है। तो उसके लिए इसे देखिए। तो सबसे पहले अपने ग्राउंड को हाथ पे रखना है, हाथ को ग्राउंड पे रखना है और इसी लेग से आपने क्या करना है, पुश करना है। इसी लेग से अपने इधर को धक्का मार रहा है ऐसे करके, इसी लेग से। जब आपको लगता है कि बैलेंस बन गया तभी आप इस लेग को ऐसे ले जाइए आराम आराम से, उससे पहले नहीं, वरना आप इधर या उधर गिर जाएंगे। और आप एक स्ट्रेट हैंडस्टैंड से पहले दो अलग टाइप के हैंडस्टैंड ट्राई कर सकते हैं, जो ये हैं। ये हैंडस्टैंड थोड़े इजी होते हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जो अगले दो टाइप हैं, मतलब अगले जो तरीके हैं, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे और देखोगे नहीं, तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा।